हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ होम रेमेडी ब्लीचिंग के बारे में। मार्केट में जो ब्लीचिंग आती है काफ़ी हार्मफुल होता है, किसी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता। तो हम घर में कैसे ब्लीच तैयार करके उसे यूज कर सकते हैं, तो वो मैं जा रही हूँ बताने। तो उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं जा रही हूँ बताने। तो सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है क्योंकि इसमें विटामिन सी और ए भी होता है, तो ये हमारे फेस को ब्लीच करके क्लीन करता है और इसे वाइट करता है। इसे हम सबसे पहले छील कर इसे पीस लेंगे। तो ये हमारा आलू है, आलू हमने पीस लिया है। अब हम इसमें रोज वाटर मिलाएंगे, गुलाब जल की कुछ बूंदें। और अब हम इसमें नींबू का कुछ रस मिलाएंगे, कुछ बूंद। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें हनी मिला सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें नींबू के कुछ बूंदे ऐड कर सकते हैं। तो मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैं नींबू मिला रही हूँ। इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में भी काफ़ी मात्रा में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे जा रहे हैं चेहरे पर लगा लेंगे। चेहरे पर लगाने से पहले हम अच्छे से चेहरे को साफ कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। और चेहरे पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं अभी इसे लगा लेती हूँ। इसे हम कम से कम 10-15 मिनट तक लगा कर रखेंगे, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेंगे। 15 मिनट मेरा हो गया था तो मैं अपने फेस को वॉश करके आ गई हूँ। फेस ध्यान रहे, फेस को केवल पानी से ही वॉश करना है, फेस वॉश यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके फेस को वो ऑलरेडी क्लीन कर देगा, क्योंकि उसमें नींबू है, नींबू भी फेस को क्लीन करता है और आलू भी क्लीन करता है। तो आपको केवल सिंपल पानी से ही अपना फेस वॉश कर लेना है। और इसे टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, उनके चेहरे पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। वही नहीं, किसी के भी चेहरे पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो इसे आप यूज करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। और जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर काले घेरे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये नेचुरली जो है कि आपके चेहरे को ब्लीच करता है, आपके चेहरे को चमकाता है। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।